नमस्कार, मैं हूँ राशिका मदाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। पाकुड़ आज भी गंदे दूषित झरना के पानी पीने को मजबूर है। आदिम जनजाति के लोग लिट्टीपाड़ा प्रखंड में बसे हैं। कर्माटाड़ प्रखंड के रक्सो गांव, जहां आज भी आदिम जनजाति के लोग मूलभूत सुविधा से कोसों दूर। कर्माटाड़ पंचायत के रोक्सो गांव में आदिम जनजाति के लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। के गंदा पानी पीने को विवश है। 1 किलोमीटर दूर पैदल जाकर झरना से पानी लाते हैं। गांव में एक भी चापानल नहीं है। यह पानी को पीने से बच्चे बूढ़े सभी बीमार पड़ते हैं। इस झरना में एक साथ पशु पक्षी और मनुष्य तीनों ही पानी पीते हैं। मजबूरन हम सभी को भी पानी पीकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। साथ ही सभी ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाया है कि गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। बहुत गंदा से पानी पीता है हम लोग, और माता से लेके जाए घर से चापाकल भी नहीं है हम लोग घर में, और टैंकी उनकी भी नहीं। पूरा गंदा भी पानी पीता है हम लोग, और हम लोग गंदा पानी पीते से बीमार, हरी गरी बीमार लगता है। वही का मदद कर दीजिए हम लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।